प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको नीच राशि में बैठे ग्रहों से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाला हूं। किस स्थिति में नीच राशि के ग्रह व्यक्ति के जीवन को बनाने वाले बन जाते हैं, किन स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने जीवन काल में नीच राशि में बैठे ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव ले सकता है, साथ ही साथ नीच राशि में ग्रहों के प्रभाव और किस कारण से आपको नीच राशि के ग्रह मिले हैं, क्या कार्मिक प्रभाव उनका निकल के आ रहा है, उसकी जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत उपयोगी रहेगी, आप आज की वीडियो को ध्यान में देखें। एक और बात समझ के चले कि अगर आपकी कुंडली में नीच राशि के तो नहीं नीच भाव के ग्रह है तो भी आपको कैसा प्रभाव मिलेगा, उससे जुड़ी भी कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो उपयोगी रहेगा, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। किसी की भी कुंडली में नीच राशि के ग्रह हो तो उससे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, किस राशि में उच्च का होता है। अगर कोई ग्रह आपको नीच राशि में मिला है तो पहली बात ये सामने आती है कि कहीं ना कहीं उस ग्रह से जुड़े कुछ गलत कार्य, कुछ गलतियां आपके द्वारा पूर्व में की गई है, आपके द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा की गई है, ये बात सामने आती है। कई बार आप देखते हैं ना कि आपके पिता की कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में था, वही आपकी कुंडली में भी है, तो यानी वो साइकिल अभी भी चलते आ रही है, उसको समाप्त अभी आपने नहीं किया है, उस साइकिल को पूरा नहीं किया है। जब आप उससे जुड़े कर्म को रोक देंगे, उससे जुड़ी गलतियों को रोक देंगे, तो आप अपने जीवन काल में देखेंगे कि वो नीच राशि की साइकिल आगे मतलब नहीं जाएंगी। जैसे आप किसी कुंडली में देखते हैं, विशेषकर ये प्रभाव माता पिता की कुंडली में बहुत बार आता है कि माता पिता की कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में था, संतान की कुंडली में भी वो ग्रह नीच राशि में है। अब कई बार तो फिर उनको भी संतान होती है तो भी उनकी कुंडली में नीच राशि का ग्रह नजर आता है। तो ये एक साइकिल, एक पैटर्न है। ये ना सोचे कि ये ग्रह चूंकि आपके जन्म से मतलब प्रभाव लेके आए हैं तो संतान के कुंडली में भी जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ गलतियां हैं तो वो रिपीट होते जाती है। तो इसीलिए जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य तुला राशि के अंदर है, नीच राशि के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि सूर्य से जुड़ी कुछ गलतियां, यानी दूसरों को सम्मान न देना, तुला राशि में मिला है तो इसका मतलब विपरीत लिंग का अपमान करना, साथ में जुड़े हुए लोगों का अपमान करना, ऐसे कुछ कार्य व्यक्ति पहले करते आया है और इस जीवन में भी कई बार ऐसा व्यक्ति उस चीज़ों को दोहराता है तो वो चीज़ आगे भी मिलती रहती है, आगे संतान को भी मिलती रहती है या उनसे जुड़ी परेशानी देखने को मिलती है। तो इसीलिए वो प्रभाव अगर आपको ठीक करना हो तो एक ही बात है कि उस ग्रह से जुड़ी साइकिल को आप समाप्त करने का प्रयास करें, उस ग्रह से जुड़े कार्य को पूर्ण करने का कार्य करें, क्योंकि नीच ग्रह आपको तभी मिले हैं जब उस ग्रह से जुड़ी कोई गलतियां आपने की है, कुछ न कुछ उस मतलब ग्रह से जुड़ा आपने कुछ नेगेटिव कार्य किया है, तब आपको मिला है। नीच का ग्रह ऐसे समझ के चलिए कि वो एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में मतलब एक, अगर मैं एक स्कूल का उदाहरण लूँ, एक क्लास का उदाहरण लूँ, तो जो क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं, आप समझिए नीच का ग्रह उसी समान है, वो पीछे बैठा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो क्लास में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो जीवन में प्रभाव उसका शुभ नहीं है, प्रभाव उसका शुभ भी है, लेकिन उसके लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी। जिस प्रकार एक क्लास में पीछे बैठे हुए बच्चे को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है, तब जाके उसके जीवन में पॉजिटिव असर आता है, उसी प्रकार ये नीच राशि के ग्रह है जिसके लिए आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा, अधिक आपको मेहनत करना पड़ेगी। फिर इसमें एक और बात है, जैसे आपकी कुंडली में नीच राशि में जो ग्रह बैठा है, आप ये देखिए कि जिसकी राशि में वो नीच राशि का है, जैसे सूर्य की बात कीजिए, सूर्य शुक्र की राशि में नीच का होता है। अब आपने देखा कि शुक्र जो है अच्छी स्थिति में है, सूर्य जो है नीच राशि में था, लेकिन सूर्य अपना शुक्र जो है वो अच्छी स्थिति में कहीं बैठा है, वो नीच राशि का नहीं है, अच्छे भाव में बैठा है जहाँ पर वो बलवान होता है, सकारात्मक उसके अंदर स्थिति है, तो ऐसे में सूर्य भी अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में आ जाएगा। इसी प्रकार आप समझिए, जैसे आपने देखा आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए गुरु नीच राशि के अंदर है, गुरु आपने देखा कि वो मकर राशि के अंदर है। अब ऐसा व्यक्ति नियम कायदों को फॉलो करना नहीं चाहता, वो अपने अनुसार काम करना चाहता है, दूसरों की सुनना नहीं चाहता, स्वयं के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन आपने देखा कि शनि जो है, शनि अपनी उच्च राशि में चले गया, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या हो जाएगा कि चूंकि जिसकी राशि में ग्रह नीच राशि का हो रहा है वो बलवान है, तो मतलब एक बच्चा पीछे तो बैठा है लेकिन उसके साथ एक ऐसा बच्चा बैठ गया है जो अच्छा पढ़ता है, जिसका दिमाग तेज और वो उसको सपोर्ट दे रहा है। इसी प्रकार आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है, उसका राशि का स्वामी अगर उच्च राशि में हो गया, कहीं बलवान होकर बैठ गया या साथ में बैठ गया, तो ये स्थिति उस ग्रह को शुभ कर देंगी, उस ग्रह के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देंगी, और इसी को फिर आप सुनते हैं कि नीच भंग राजयोग कहा जाता है। हालांकि वो तो चंद्रमा से केंद्र में होने पर भी लिया जाता है, लेकिन मैं आज उस स्थिति की चर्चा नहीं कर रहा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नीच राशि में कोई ग्रह है तो वो जिस राशि में नीच राशि का होता है उसका स्वामी बलवान हुआ तो आपको पॉजिटिव असर मिल पाएगा। वो साथ में हो, अपनी उच्च राशि में हो, बलवान हो तो आप देख पाएंगे। मैंने आपको पिछली बार एक उदाहरण कुंडली बताई थी। अगर आप कहेंगे उदाहरण कुंडली से बताइए, मैं 2 मिनट यहाँ पर उसी कुंडली को पुनः आपके समक्ष ले आता हूँ जो मैंने आपको अमिताभ बच्चन जी की कुंडली बताई थी। उनकी कुंडली में आप ये जानते हैं कि उनकी कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो कुंडली के अष्टम भाव में है, वो नीच राशि के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ऐसे व्यक्ति को अधिक जीवन काल में शुक्र का प्रभाव नेगेटिव मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ बुध की स्थिति फिर भी अच्छी है। अगर आपने उनकी कुंडली देखी हो तो उनकी कुंडली में आप जानते हैं बुध की स्थिति अच्छी है, बुध साथ में है। जैसे अगर मैं आपको उनकी कुंडली बताने का प्रयास करूँ तो मैं यहाँ पर आपके समक्ष कुंडली लेकर आ रहा हूँ उनकी, ताकि क्या है आपको उदाहरण से समझने में आसानी रहेगी। और जब आप उदाहरण से देखेंगे तो आप फिर किसी कुंडली को आप देख रहे होंगे तो उससे भी आप मिला पाएंगे। हाँ, मैं आप सभी के समक्ष उस कुंडली को लाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये रही उनकी कुंडली और ये मैं आपके समक्ष उस कुंडली को। हाँ, अब आप उनकी कुंडली देखिए। ये साइड में आपको उनकी कुंडली दिख रही है। आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें देखिए कि शुक्र जो है, जो चतुर्थ का नवम का स्वामी प्रमुख ग्रह बनता है, वो कुंडली के अष्टम भाव में है। कैसा है तो नीच राशि का है, 6 नंबर के साथ में है तो नीच राशि का हो गया। लेकिन जिस इस राशि का स्वामी जो कि बुध बनता है, बुध भी आप देखिए अपनी उच्च राशि के अंदर है, बुध यहाँ पर स्वयं की राशि में हो गया। इसी प्रकार कोई और स्थान पर होता, जैसे आपने देखा कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो बुध है ये किसी अन्य राशि में होता लेकिन बलवान होता, अपनी राशि का होता, उच्च राशि का होता, या अन्य कोई ग्रह जैसे मान लीजिए शनि नीच राशि का होता लेकिन मंगल या तो उसको देख रहा होता या मंगल अपनी उच्च राशि का होता, मंगल और कहीं केंद्र में बलवान होकर मजबूत स्थिति में अपने अच्छे भाव में बैठा होता, अपनी राशि का होता, तो ये सारी स्थिति क्या करती, इस जो प्रभाव है यहाँ पर नीच राशि का उसको कैंसिल कर देती है। और बल्कि फिर वो ग्रह नीच राशि का इतना बढ़िया प्रभाव देता कि वो ग्रह अकेला आपको जीवन में सब कुछ प्रदान कर देता। जैसे यहाँ पर देखिए शुक्र की नीच राशि में होने पर कोई, जो भी मैंने उदाहरण दिया उसमें आपको कोई कहेगा कि ऐसा व्यक्ति एक्टिंग के क्षेत्र में अच्छा जाएगा, अच्छा नाम कमाएगा, जाना उसमें कार्य करना, एक आध कोई आप कुछ लोगों के सामने आया, आपका एक छोटा सा नाम बना, सब भूल गए, वैसा नहीं। जैसे आप इनकी कुंडली में देख रहे हैं शुक्र नीच राशि में है लेकिन उसके नीच राशि का जो स्वामी है बुध वो भी साथ में है, बलवान स्थिति में है, तो इनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा नाम इन्होंने अपने फिल्म जगत में बनाया शुक्र के नीच राशि में होने के बाद भी। तो इसी प्रकार आप समझिए कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह नीच राशि का है, उसका स्वामी बलवान है उच्च राशि का, तो बहुत बढ़िया प्रभाव है, जीवन में उन्नति देने वाला है और बहुत बढ़िया स्थिति में आपको ले आने वाला है। इसलिए आपने थंबनेल पर देखा है कि मैंने लिखा है कि नीच का ग्रह राजा बनाने वाला नीच का ग्रह, तो ये यही है क्योंकि आपकी स्थिति इसी प्रकार से बलवान करते हैं नीच के ग्रह भी, जब सकारात्मक स्थिति में हो, इस तरह के सकारात्मक प्रभाव में आ जाए। फिर एक और बात आपने देखी, नीच भाव के ग्रह, भाव क्या होता है आप जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली में भाव फिक्स है, राशि भी फिक्स है वहां पर। अब आपने देखा किसी व्यक्ति के लग्न में शनि है, तो लग्न का शनि है ऐसे व्यक्ति का नीच भाव का शनि है, क्योंकि काल पुरुष के आधार पर 1 नंबर लग्न में आता है और वहां पर शनि नीच राशि का होता है, तो शनि नीच भाव का हो गया। इसी प्रकार कुंडली के चतुर्थ में मंगल नीच भाव का हो गया। अब आपने देखा कि जो ग्रह नीच भाव में बैठा है, अगर मान लीजिए या तो उस भाव का आप स्वामी ले लीजिए कि वो बलवान हो, वो साथ में हो, अच्छी स्थिति में हो, या फिर काल पुरुष की कुंडली में जो ग्रह स्वामी बनता है, जैसे लग्न में शनि है नीच राशि का, लग्न में नीच राशि का नहीं भी है शनि, किसी भी भाव का है, किसी भी राशि का है लेकिन लग्न में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मंगल अगर इस शनि को देख ले, मंगल अगर इस शनि के साथ में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को इस शनि का प्रभाव पॉजिटिव मिलने लग जाएगा और व्यक्ति के जीवन में शनि भी व्यक्ति को ऊंचाई देने वाला बन जाएगा। यही मंगल की बात कीजिए, मंगल चतुर्थ भाव में है, किसी भी राशि का है, तो भाव के अनुसार तो नीच राशि का हुआ, नीच भाव का हुआ, तो ऐसा मंगल क्या करेगा, जो भी नीच भाव के ग्रह होते हैं वो आपके जीवन में उस भाव से जुड़ी कोई भी परेशानी सामने लाते हैं। जैसे मंगल की बात करें तो मंगल चतुर्थ भाव में नीच भाव का है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये माता को, घर को, मानसिक सुख को परेशान करने का काम करेगा। व्यक्ति के पास सुख सुविधा हो सकती है लेकिन मानसिक शांति, जो एक मानसिक शांति का विचार चतुर्थ भाव से होता है वो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग रहे, वो व्यक्ति को मिल ना पाए, ऐसी बातें आ सकती है। या मंगल के चतुर्थ भाव में होने से माता का सुख कम मिल पाए, माता के स्वास्थ्य में समस्या रहे, ऐसी बातें सामने आ सकती है। तो इसीलिए आप जब देखते हैं, लेकिन अगर आपने ये देखा कि मंगल को चंद्रमा कहीं से देख ले, चंद्रमा साथ में बैठ जाए, चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर ये मंगल नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, ये मंगल पॉजिटिव हो जाएगा और व्यक्ति को अच्छा परिणाम देने का कार्य करेगा। इसीलिए जब नीच भाव की बात आए तो वो किसी भी एक फैक्टर को खराब कर सकता है, लेकिन नीच राशि के ग्रह अधिकतर भौतिक वस्तुओं को खराब करते हैं। जैसे मंगल चतुर्थ भाव में नीच राशि का है या किसी अन्य भाव में नीच राशि का है तो वो उस भाव की भौतिक वस्तु है। जैसे आपने देखा कि अगर चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का विचार होता है, यहाँ पर शनि नीच राशि में है, 1 नंबर के साथ में है, या शुक्र यहाँ 6 नंबर के साथ में है, तो व्यक्ति को जो भौतिक सुख सुविधा, गाड़ी, एक घर आदि अच्छा सुख मिलना चाहिए, उनकी चीजों को ये खराब करने का काम कर देंगे। इनका सुख व्यक्ति को कम मिल पाएगा या होते हुए व्यक्ति इनका भोग नहीं कर पाएगा, ये बात सामने आ जाएगी। तो इसीलिए आप जब नीच राशि के ग्रह को देखें तो पहला आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि वो जिसकी राशि में है वो किस प्रकार की स्थिति में है। अगर वो उच्च राशि में है, वो बलवान है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो ग्रह आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। जैसे मैंने अभी सूर्य का उदाहरण लिया, किसी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, शुक्र भी नीच राशि का है, तो दोनों ही ग्रह खराब हो गए, ऐसे में व्यक्ति को फिर दोनों ही ग्रहों का प्रभाव कमजोर मिलेगा। हाँ, शुक्र का राशि स्वामी अगर बुध अच्छा हुआ, बुध बलवान होकर बैठा हुआ मिला, तो शुक्र फिर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव कमजोर ही रहेंगे। तो इसीलिए आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर कि कौन सा ग्रह नीच राशि में है और जो ग्रह नीच राशि में है उसे सपोर्ट देने वाला उसका राशि स्वामी कहाँ पर बैठा है। अगर वो बलवान है तो आप जीवन काल में इस नीच राशि के ग्रह से अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और जीवन काल में शुभ स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। नीच भाव का भी है तो मैंने बताया उसे मैच कीजिए, क्योंकि आपकी गलती है, उस गलती को दूर कीजिए। जैसे मंगल की बात करें, मंगल क्या करता है, मंगल आपसे जो छोटे हैं, आपके जो साथ में है, आपके मित्र आदि है, उनको आप किसी प्रकार से धोखा दें, उनको आप छलने का प्रयास करें, तो आपके जीवन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं फिर ये मंगल आपकी संतान को भी मिलता रहेगा। अगर आप दूसरों का धन लेते हैं, उसको लौटाते नहीं, जमीन से जुड़ा आप कोई मतलब हेर फेर कर रहे हो और दूसरे के साथ नुकसान कर रहे हो, तो आपको ये मंगल नीच राशि का मिला है। चंद्रमा जब आप दूसरों को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हो, परेशान करते हो, आप दूसरों को प्रताड़ित करते हो, तो आपको ये चंद्रमा नीच राशि का मिलता है। अगर आप इसको सही नहीं कर पाए, आपके माता से संबंध आपने सही नहीं किए, आपका भी चंद्रमा नीच राशि का था, आपके आगे आने वाली संतान का भी चंद्रमा नीच राशि में रहेगा। अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली के अंदर जो गुरु जैसे नीच राशि का है, तो आपने अगर अपने नियम कायदों को सही से नहीं चले, आप धार्मिक क्षेत्रों से आप नहीं जुड़े, आपने गलत कार्य किए, दूसरों को आपने अपमान किया, बड़ों लोगों का सम्मान नहीं किया, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, तो ऐसे में आपकी संतान को भी नीच राशि का गुरु मिलेगा और वो सीरीज चलती रहेगी फिर इसी प्रकार से। इसी प्रकार अन्य ग्रहों को लीजिए, सूर्य मान सम्मान का कारक है, दूसरों को सम्मान आपने नहीं दिया। शनि जो है, शनि आपसे नीचे काम करने वालों को आपने सम्मान नहीं दिया, अपने कार्य में लापरवाही बरती, आपने जो आपसे छोटे थे उनको अच्छा मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया, जिसने आपका कोई कार्य किया उसको प्रोत्साहन नहीं दिया, तो आपको फिर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि ये शनि लगातार नीच राशि में चलता जाएगा और वो आपको भी और आगे संतान को भी आगे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड होता रहेगा। तो इसलिए आपको इन चीजों से बचना है। बुध की बात भी है, बुध डॉक्यूमेंटेशन को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है। आपने वाणी दूसरों का अपमान किया, डॉक्यूमेंटेशन में आपने गड़बड़ी करी या दूसरों को किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह में धोखा देने की कोशिश करी, तो ये सब आपको आगे परेशान करेगा, आगे आपकी संतान को भी परेशान करेगा। उससे बचने का मैंने बताया, इन चीज़ों को अवॉइड करें, उस ग्रह से जुड़ी चीज़ों को अवॉइड करें, आपको परिणाम अच्छा मिलने लग जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको नीच के ग्रहों का प्रभाव बताया। आप देखिए बलवान किस प्रकार से होगा नीच राशि में, कमजोर किस प्रकार से होगा, मैंने उदाहरण से आपको बताया है। कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।